बैक टू माय चैनल एंड खुशामदीद इन माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा, तो ये दो दिन का ब्लॉग है और 14 अगस्त पर मैंने इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने इस तरह से कुछ स्पेशली सेलिब्रेट नहीं किया था। और ये मैंने ब्लॉग रात के टाइम से ही रिकॉर्ड करना शूट किया था। ये दाल जो है तो ये माश की दाल है और मैंने रात के टाइम पर बनाई थी, तो मैंने इसकी रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि दाल की वीडियोज़ में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो बस इसलिए नहीं बनाई। और ये दूसरे दिन की थी क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत ही प्यारा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सी शूट कर लूँ। बादल हो गए थे और हवा भी चल रही थी, तो शाम के टाइम पर मैं बस देख रही थी बाहर खड़ी होकर, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और यहाँ पर कभी कभी इतना अच्छा मौसम होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इतनी गर्मी में मौसम अच्छा कम ही होता है, या कभी बारिश हो जाती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। तो बस मौसम अच्छा हो गया था तो मैंने थोड़े से शूट कर ली थी। और उसके बाद मैंने ये मटन निकाल लिया था, ये बीफ है, बड़ा गोश्त है, मैंने निकाला था। मैंने सोचा कि मैं इसके शामी कबाब बना लूँ क्योंकि बीफ मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों तो बहुत ही कम खाते हैं, हमारे घर में आता ही नहीं है। ये जो ईद में भी आ गया था, कुर्बानी वाली ईद में, तो हमने थोड़ा सा ही रखा था और मैंने बाकी जो था तो वो भी मैंने दे दिया था, तो मैंने थोड़ा सा ही रखा था। मैंने सोचा कि मैं इसके शामी कबाब खा लूँ, बना लूँ तो बच्चे वगैरह खा लेंगे। और बस ये मैंने रात के टाइम पर दाल और सारे मसाले वगैरह, गोश्त जो है हर चीज़ डालकर और बॉयल कर लिए थे। और शामी कबाब मैंने सोचा था कि मैं दूसरे दिन बना लूँगी, तो ये दूसरा दिन था जिस दिन मैं शामी कबाब बना रही थी। और ये शामी कबाब बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी कवर या कोई एक चीज़ ले लें और उसके ऊपर शापर चढ़ा दें, या जो प्लास्टिक की वो रेप होती है वो चढ़ा दें, तो उसके उससे ये होता है कि शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं और एक ही साइज़ के, एक ही शेप के आसानी से बन जाते हैं। तो बस मैं उसी तरीके से बना रही थी और ये टिप मुझे मेरी अम्मी ने दी थी। अम्मी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आसान आसान बताती रहती हैं और वो मुझे काफ़ी सारी वीडियोज़ पर भेजती रहती हैं जिससे काम करने में आसानी हो जाती है। तो बस अभी मैं वही बना रही थी, शामी कबाब मेरे जल्दी से बन गए और मैं अपनी चाय भी पी रही थी और मेरे साथ जो मेरी छोटी वाली बेटी है तो वो भी आकर बैठ गई थी, तो बस मैं अपने काम कर रही थी साथ साथ ही। और शामी कबाब मैंने कुछ बना कर रख ली क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो बीफ नहीं खाते हैं, हम बड़ा गोश्त नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, और इसलिए मेरे बच्चे खा लेंगे शामी कबाब। और उसके बाद मैंने थोड़े से बर्तन थे वो वॉश कर लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं 14 अगस्त वाले दिन कोई ब्लॉग बना लूँगी, पर लॉकडाउन है और बच्चों की भी स्कूल की भी छुट्टियाँ हैं, नहीं तो ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चे सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ ना कुछ घर में भी हो जाता है, तो बस नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया उस दिन का। बच्चों के लिए वैसे मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी, उनके लिए मैंने कुल्फी बनाए थे वाइट कलर के और उसके ऊपर मैंने ग्रीन जेली और ग्रीन शरबत वगैरह डालकर, ग्रीन चीज़ें डालकर तो उनको दी थी। उसके अलावा 14 अगस्त पर ऐसा कुछ खास हमने सेलिब्रेशन नहीं किया था, तो बस मैंने फिर इसीलिए उसकी वीडियो भी नहीं बनाई। और बस मैं भी किचन में बर्तन वॉश कर रही थी और उसके बाद मैंने बनाई थी खीर। और वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वो इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा बोर ना हो जाए, तो इसलिए मैं उसको बस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। और ये भी मेरे शाम के टाइम पर ही मैं शूट कर रही थी, शाम के टाइम की ही वीडियो है। तो आजकल इतनी गर्मी भी ज़्यादा हो गई है कि बस ब्लॉग इतना प्रॉपर बन नहीं रहा, और मैं शूट करने के लिए भी किचन में आती हूँ तो फिर इतनी गर्मी होती है, इतनी जल्दी जल्दी से काम पूरा कर लेती हूँ तो इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। और अभी बस मैं चावल बना रही थी, मैं चने वाले चावल बना रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ बनाऊँ क्योंकि रात के टाइम पर दाल भी खाई थी और दिन के टाइम पर सब्जियां खाई थी, तो बस फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था और गोश्त वगैरह खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो बस फिर मैं इसलिए चावल बना रही थी, चने वाले जो होते हैं वो बिरयानी की तरह, तो बस सिंपल से वो ही बना रही थी। और मैं अपने बच्चों को बता रही थी, मेरे बच्चे कह रहे थे कि इस बार तो 14 अगस्त भी जो है तो वो ईद की तरह बोरिंग ही गुजरा, कुछ हुआ ही नहीं। पहले मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमें 14 अगस्त पर ग्रीन कलर के और वाइट कलर के कपड़े लेकर दो, तो मैंने सोचा था कि मैं उनको लेकर दूंगी, उनके पापा ने भी कहा था कि चलें ठीक है हम आपको कपड़े लेकर देंगे, पर फिर स्कूल भी बंद थे, हम कहीं जाने का सोच भी नहीं रहे थे, तो फिर बस बच्चों ने भी कहा कि नहीं बस रहने दें नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है बस अभी घर में पहन कर क्या करेंगे, तो बस हमने फिर इसलिए नहीं लिए।
ओ, मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि जब हम छोटे होते थे तो हमने कभी भी वाइट और ग्रीन कलर के इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं तो वो स्पेशली नहीं बनवाए। और हमारे स्कूल में भी इतना अच्छा फंक्शन होता था, इतना अच्छा, पहले से ही 10-12 दिन पहले से ही वहाँ पर जो होते हैं ना, तो वो कौमी नगमे जो होते हैं तो वो बच्चों को याद करवाए जाते थे, टेबलोस की तैयारी होती थी और इतने अच्छे अच्छे कौमी तराने और चीज़ें हमें बताते थे, याद करते थे बच्चे, काफ़ी मज़ा आता था। पर कभी भी हमें स्कूल वालों ने ये नहीं कहा कि बस ग्रीन और वाइट कलर के कपड़े पहन कर, कपड़े जो जिसके पास होते थे बच्चे वही पहन कर आते थे। बस ये होता था कि छोटा सा जो झंडे वगैरह होते हैं फ्लैग वो लेकर जाते थे हम सारे बच्चे, और स्कूल में भी वो लोग बस मिठाई बांटते थे, कभी कोई पैसे वगैरह नहीं लेते थे। तो आजकल तो ये हो गया हर स्कूल में कि बच्चों को लाजमी होता है कि वाइट और ग्रीन कलर का ड्रेस पहनना है, काफ़ी तैयार होकर आना है, बेजिस लगा कर आने हैं, बड़ा बड़ा सा फ्लैग झंडे वगैरह लेकर आने हैं और बच्चों से 500 ले लेते हैं। तो फिर भी इतने बच्चों की ना वो मेमोरीज नहीं है हमारे बच्चों की जिस तरह से हमारी है। जो 12-13-14 साल पहले जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, मैं जब छोटी थी, मैं 3 या 4 में थी या 5 में, तो हमारे जितनी अच्छी मेमोरीज है और जिस तरह से हम घर पर भी, हम स्कूल में तो इतना मज़ा करते थे, इतना अच्छा सेलिब्रेट करते थे, पर हम घर पर भी काफ़ी ज़्यादा इतना हमें मज़ा आता था। हम क्या करते थे कि वो आटे की जो लोई होती है तो बना लेते थे, मेरी छोटी जो फूफो थी तो वो मुझे बना कर देती थी, तो मैं और मेरा भाई जो था तो हम क्या करते थे कि वो झंडियाँ लेकर आ जाते थे, और उस टाइम पर जो कागज़ की झंडियाँ होती है छोटे छोटे से, तो वो इतनी सस्ती मिलती थी, मतलब 10 रुपए की वो 100 मिल जाती थी, मतलब 1 रुपए की जो है ना तो वो 10 झंडियाँ हमें मिल जाती थी। काफ़ी दिन पहले से हम लोग, मेरे भाई और मैं, जमा करने लग जाते थे, तो मुझे भी जो भी पैसे मिलते थे तो मैं कुछ चीज़ भी ले लेती थी और वो भी लेकर आ जाती थी झंडियाँ, और मेरा भाई भी, तो हम लोग फिर जैसे 7-8 दिन तक वो जमा करते रहते थे और इतनी सारी जमा कर लेते थे कि पूरा घर भर देते थे, दरवाज़ों पर जो खिड़कियाँ होती हैं उन पर, और वो छोटी छोटी कीलें लगा कर धागा बांध कर उस धागे में लगा लेते थे, फिर वो उधर दरवाज़ों के ऊपर और शहर में हमारी गली में लगाते थे, और ऊपर जो छत होती है तो वहाँ पर भी जाकर वहाँ ऊपर भी लगा लेते थे, पूरा घर भर देते थे, और हमारी दादी हमें मना भी नहीं करती थी। तो बस हमारी काफ़ी मेमोरीज हैं, तो उस टाइम पर इतना मज़ा होता था और इतना अच्छा सेलिब्रेशन होता था, और इतना आजकल बच्चों की इतनी मेमोरीज नहीं बनती उनके लिए जितना भी किया जाए। आजकल तो स्कूल्स में भी रोज़ होता है कि आज फ्रूट डे है, आज ग्रीन डे है, आज पिंक डे है, आज वेजिटेबल डे है, तो बच्चों को कहते हैं कि आज इस तरह के कपड़े पहनकर आ जाने हैं, आज ये चीज़ें लेकर आनी है, आज फ्रूट डे है तो फ्रूट्स लेकर आने हैं, आज पिंक डे है तो सारे लड़कियों को पिंक कलर के ड्रेस पहन कर आने हैं, पिंक हेयर बैंड पहन कर आने हैं, तो बच्चे तैयारी करके जाते हैं स्कूल्स में, पर फिर भी इतनी बच्चों की जो है ना वो मेमोरीज नहीं बनती। या जिस तरह से आजकल हर फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, स्कूल वाला जिस तरह से तैयारी करवाते हैं, पर हमारे बचपन की बस मैं सोचते कुछ और ही बात थी। तो ये तो हो गई स्कूल की बात, और मेरी देखे मेरे चने वाले चावल बन गए और मेरे बातों बातों में वो खा भी लिए। और ये दूसरा दिन है जिस दिन मैंने खीर बनाई थी, जो आपको मैं बता रही थी, तो ये खीर मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बनाई थी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, और इसमें मेरे पास कुछ सेवइयाँ थी जो हम शीरखुरमे में डालते हैं वो भी मैंने डाली थी, और कुछ मेरे कलर्ड सेवइयाँ जो होती है तो वो भी मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो भी डाल दी थी। इसमें मैंने शुगर डाल दी थी और 2 छोटी इलायची डाल दी थी, और उनको मैंने थोड़ी देर के लिए कुक करने के लिए रख दिया था, और जब वो कुक हो गई और सॉफ्ट हो गई तो उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड डाली थी, 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए थे, और दूध मैंने लिया था, 1.5 किलो दूध था मेरे पास, तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ें इतनी डाली थी, तो इससे काफ़ी अच्छी बन गई थी, इतनी ज़्यादा बिल्कुल वो थिक भी नहीं बनी थी और इतनी ज़्यादा वो ना रनी कंसिस्टेंसी में जो होती है पतली वाली वो भी नहीं बनी थी, इससे अच्छी बन गई थी। तो इसमें मैंने ब्रेड डाली थी, और ये रेसिपी मैंने देखी थी कॉन्टिनेंटल शेफ के चैनल पर, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, न्यू लगी, मैंने सोचा मैं भी ब्रेड से जो है तो वो खीर बना कर देखूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी और जल्दी बन गई थी, क्योंकि वैसे हम जो चावल की खीर बनाते हैं या पैकेट की तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो इसका एक अलग ही अच्छा सा फ्लेवर था,
जैसे बच्चों के लिए हम कोई चीज़ बनाते हैं ना सिंपल, अगर कुछ समझ में ना भी आए तो बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से बस यही बना लें, या जिस घर में बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो और कुछ समझ में ना आए जल्दी जल्दी से तो बस ब्रेड वाली खीर बना लें। तो इसमें मैंने खजूर पड़ी थी मेरे पास, तो खजूर मेरे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खजूर डालने से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, वो खाने भी चाहिए अच्छे होते हेल्थ के लिए। तो बस मैंने उसमें 6-7 खजूर भी डाल दिए थे थोड़े थोड़े से कट करके, और बस उसके जो चंक्स होते हैं वो बना दिए थे, और मैंने इसमें वो भी इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं, अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो बस बहुत ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर आया था। अगर आपको भी अच्छी लगी ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सिंपल सी है तो बस मैंने ये बना ली थी क्योंकि मेरे बच्चों को मीठा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। वो ब्रेड भी जल्दी से सॉफ्ट हो गई थी, सेवैयाँ भी बस 15-20 मिनट में ही ये बन गई थी अच्छी तरह से। तो कुछ मैंने पड़ोस में भी बेच दी थी, और बस एक बाउल जो था तो मैंने अपने घर में बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए भी रख दिया था। तो बस सिंपल सी मेरी खीर तैयार हो गई थी, और मेरे पास ग्रीन कलर की जेली थी तो वो भी इसके ऊपर मैंने डाल दी थी, और मैंने कुल्फी बनाए थे 14 अगस्त पर जिसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की डेकोरेशन की थी, वो मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी पर वो बिल्कुल भी पता नहीं क्यों एडिट करने जब मैं बैठी तो हो ही नहीं रही थी, मतलब पता नहीं क्यों उसको वीडियो को क्या हो गया था कि वो स्टॉप हो रही थी, और वो बस फिर मैंने उस वीडियो को छोड़ दिया। मैंने कहा चले फिर कभी दोबारा से मैं बना लूँगी और आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो बस मैंने फिर की नहीं, और यहाँ पर जो मैं बाउल वगैरह मैंने निकाले थे खीर डालने के लिए तो बस मैं वही वॉश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे एरियाज में पता नहीं क्यों इतनी डस्ट होती है, या जिस एरिया में मैं रहती हूँ हमारा घर है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, बस एक दिन बर्तन वॉश करके रख दिए जाते हैं किचन में तो दूसरे दिन उन पर डस्ट लगी होती है, और मेरा किचन भी ओपन है तो इसमें तो ज़्यादा ही डस्ट आ जाती है। हमारे घरों में भी हम सुबह शाम ही डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि सुबह शाम डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यही मैं काम कर रही थी, और आप सुनाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया घरों में, क्योंकि स्कूल तो बच्चों के वैसे भी बंद हैं, और अभी हम सुन रहे हैं कि सितंबर की 15 को स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो मैं तो बच्चों को कह रही थी कि बस अब तुम लोगों को स्कूल जो है ना वो शुरू हो जाए तो तुम लोग स्कूल चले जाओ, घर में बैठ कर बहुत ज़्यादा तंग कर लिया तुम लोगों ने, और बच्चे खुद भी कह रहे थे कि बस स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है हम स्कूल चले जाएं, अब घर में बैठ बैठ कर हम ही बोर हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको अब बस ट्यूशन भी भेज दूँगी पहले से ही, और 1 सितंबर से, और सोच रही थी कि बस अभी इनके बैग्स वगैरह जो हैं बच्चों के और बुक्स वगैरह जो हैं स्कूल वालों बस वो बोला है कि बुक्स वगैरह लेकर दे बच्चों को, और 15 से ही बच्चे जो हैं तो स्कूल आ जाए। तो देखिए अब क्या होता है। मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है जो भी चीज़ बनाती हूँ। तो इतना ही था आज का व्लॉग, अगर मेरा व्लॉग अच्छा